हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए रिव्यू वीडियो लाया हूँ नॉइस ट्यूनिलाइट ब्लूटूथ ईयरफोन की। इसे मैंने 2 वीक तक यूज़ किया है और आज मैं आपको इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ ही में आपके लिए एक कॉल रिकॉर्डिंग का सैम्पल भी है, जिसे सुन के आप इस पता लगा सकते हैं कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाड़ी 40 के ऊपर स्पीड में चला रहा हूँ, विंड ब्लास्ट भी काफी है, आप देख सकते हैं वॉइस कितना क्लियर है। तो जी, वॉइस क्लियर आ रही है पूरा? जी हाँ, पूरी क्लियर आ रही है। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है? तो जी, मैं पूछूंगा तो बताते रहना वॉइस कितनी क्लियर है। ओके जी, अभी मैंने स्पीड बढ़ा दी है। अभी वॉइस कैसी है? क्लियर आवाज आ रही है। चलो, इसका वॉइस क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी स्पीड में भी नॉइस कैंसिलेशन काफी अच्छा कर रहा है। ओके सुजीत जी, वापस आ रहे हैं। ओके हाँ, ओके, कॉल पे ही रहना। यस। तो चलिए इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। पहला प्रो ये है कि इसकी बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी है, मुझे 8 से 9 घंटे की बैटरी बैकअप आराम से मिल रही थी। सेकंड पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसे जितने बार भी कनेक्ट किया अपने फ़ोन के साथ ये एक बार में कनेक्ट हो गया। थर्ड, इसकी नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही अच्छी है, आपने वीडियो में देखा भी और सुना भी कितनी अच्छी तरह से ये बाहर की नॉइज़ को कैंसिल कर रही थी, यहाँ तक कि हवा की आवाज़ भी इसे कैंसिल कर दे रही थी, अंदर नहीं आ रही थी, तो नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा है। फोर्थ पॉइंट, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इस प्राइस रेंज पे, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, आप इसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैंने इसमें मूवीज़ भी देखा और गाना भी सुना हूँ मैं, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। अब बात करते हैं इसकी कॉन्स की। तो पहला पॉइंट ये है कि जब मैं बाइक चलाते वक्त अपने फ्रेंड से बात कर रहा था तो मुझे उसकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही थी, क्योंकि विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा था, इतनी ज़ोर से हवा आ रही थी कि मुझे उसकी आवाज़ ठीक से सुनाई ही नहीं दे रही थी। पर इंडोर में ये काफ़ी लाउड एंड क्लियर है, अगर आप ऑफिस में और घर में यूज़ करते हैं इसे तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाइक में अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी वॉल्यूम कम लगेगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये बास लवर्स के लिए नहीं है, अगर आप ये ब्लूटूथ हेडसेट बास के लिए ले रहे हैं तो आप गलत जगह आ गए हैं, क्योंकि ओवर द ईयर पे आपको बास मिल सकती है लेकिन इन द ईयर हेडफोन्स में आपको बास कम ही मिलेगी। तो बास इसकी मैं डिसेंट कहूँगा, लेकिन अगर आप बास लवर हैं तो इसमें आपको बास बिल्कुल नहीं मिलेगा वैसा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी ईयर टिप्स में धूल बहुत जल्दी चिपकती है और बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो प्लीज़ इसे साफ़ करते रहें, आप इमेज देख सकते हैं। मैं इसे आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको इसकी बैटरी अच्छी मिल जा रही है, साउंड क्वालिटी अच्छी मिल जा रही है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल जा रही है, तो ये एक अच्छी डील है, आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।